शालोम, खुदावंद की कुर्बत रूहानियत है जो हमें दुनियावी नमूदनुमाइश और फिक्रमंदी से बचाती है। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। मुकदस मत्ती अंजीली तहरीर के छठे बाब में भी यीशु के वाज को जारी रखता है, जिसका मकसद यही है कि यीशु के पैरोकारों की रूहानियत में इजाफा हो, क्योंकि दुनियावी मामलात में अगर रूहानियत मौजूद ना हो तो वो खुदा से दूरी पैदा कर देते हैं, बल्कि वो इंसान को घमंडी बना देते हैं। इसलिए यीशु मजीद हदायात देते हुए इस बाब में खैरात करने के आदाब सिखाते हैं, यानी खैरात हमें इस तौर से करने की ज़रूरत है जिसमें हमारा फ़ख्र ना हो और ना ही हमारा किसी किस्म का लालच हो। किसी किस्म के लालच से मुराद मादी लालच, पैसों की वापसी का लालच, तारीफ का लालच वगैरह मुराद है, क्योंकि अगर हम ऐसे किसी लालच के साथ खैरात करते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ दुनिया में ही हासिल हो सकता है, खुदा के पास इस खैरात का कोई हमारे लिए अजर ना होगा। इसीलिए यीशु कहते हैं कि वो अपना अजर पा चुके। इसी तरह दुआ के मामले में भी यीशु ने यही सिखाया कि हमारी दुआएं दुखावे के लिए ना हों, बल्कि हमारी दुआओं का मकसद खुदावंद करीम के साथ रिश्ता उस्तवार करना हो, जिसमें दुनियावी नमूद बिल्कुल ना हो, जिसमें दुनियावी लालच ना हो, क्योंकि जिनका इस अमल में दुनियावी किसी किस्म का मकसद होता है उनको भी दुनिया से ही अजर मिलता है और खुदा के पास ऐसों का अजर नहीं। फिर खुदावंद रोज़े के बारे में तालीम देते हैं कि दुनिया रोज़ा की हालत में जिस तरह पेश आती है वैसे एक मसीह को यानी एक ईमानदार को पेश नहीं आना चाहिए, बल्कि रोज़ा खालिस खुदावंद के हजूर पेश करने के लिए हो। अगर हम खुदावंद की बजाय रोज़ा दुनिया को दिखाएंगे तो फिर दुनिया में ही इसका अज्र पाएंगे, लेकिन अगर हम खुदावंद के हजूर खालिस रोज़े की हालत में आएंगे तो फिर खुदावंद ही इसका बदला हमें देगा। अजीजो, एक ईमानदार का रोज़ा खैरात और दुआ दोनों के साथ साथ चलता है, क्योंकि हम अपने आप को झुठलाने के लिए रोज़ा रखते हैं ताकि हम अपने रब के साथ अपनी कुर्बत को गहरा कर सकें और इसकी तमाम नेमतों को पहचानें। तो हमें उस तरफ ले जाता है जिसका मैं बार बार पहले जिक्र कर चुका हूँ, यानी अजर की तरफ, जो एक ईमानदार को आसमान पर ही मिलेगा। अजीजो, आज हम दुनियावी कामों व मामूलात में जितना रूहानियत को बढ़ाएंगे, असल में आसमान में जो अजर हमारे लिए खुदा ने रखा है वो उन्हीं रूहानियत के तहत किए कामों से जमा होता है। इसी वजह से 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत में यीशु आसमान पर माल जमा करने की बात करते हैं, बल्कि ये वही रूहानियत के तहत किए गए काम हैं जिनका अजर आसमान पर जमा हो रहा है। यीशु ने इसी अजर को आसमान पर का खजाना कहा है। जब हम खैरात करते हैं, दुआ करते हैं और रोज़ा रखते हैं तो हम अपने रब के पास खजाना की सूरत में अजर जमा कर रहे होते हैं। अजीजो, हकीकी खजाना सिर्फ उसके साथ हमारी कुर्बत में पाया जाता है, लिहाजा हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा रब हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है और वो हर रोज़ हमारी फिक्र करता है। लिहाजा हमें खुदावंद की कुर्बत को पाना और उसमें रहना है, क्योंकि वही हकीकी रूहानियत है जो हमें दुनियावी नमूदनुमाइश से बचाती है। अजीजो, आज सोचिए, आप यीशु की इन हदायात पर कितना अमल करते हैं? क्या आप इस रूहानियत में बढ़ रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खुदावंद में ये दिन भी आपके लिए मुबारक और बाबरकत ठहरे। सलामत रहें।